अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में आप एज अकाउंटेंट और जनरल आप अगर रिकॉर्ड रख रहे हैं अपने टेनेंट्स का, बिल्डिंग्स का, तो आपने कैसे टेनेंट को क्रिएट करना है, कैसे आपने उसको उसको फ्लैट इशू करना है, कैसे आपने उसकी इनवॉइस को जनरेट करना है, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सब चीज़ें बताई। अभी नेक्स्ट जब आपने टेनेंट को फ्लैट भी इशू कर दिया, इनवॉइस भी जनरेट कर ली, सो द नेक्स्ट स्टेप इज आपने उसकी रिसीट पास करनी है कि आपको उससे पहले भी आपने ये देखना है कि ही इज अ कैश टेनेंट और ही हैज गिवन पीडीसी, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक उसने दिए है, 12 चेक्स या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का, 6 मंथ का और 2 ईयर्स का, तो एज पर दैट उसने कितने जो भी आपको चेक्स दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मैंने जो लास्ट टेनेंट क्रिएट किया था शेख फैज, ओके, सो मुझे हमने उनके साथ डिसाइड किया था कि आप हमें पोस्ट डेटेड चेक प्रोवाइड करेंगे और हम आपका वो चेक जो है एट 10th ऑफ एवरी मंथ हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे और 11 को या 12 को वो प्रोसेस होके क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम रिसीट पास करेंगे। तो मैं अभी मेरे टेनेंट जो है मैं आ जाता हूँ ये टेनेंसी पीडीसी रिसीट में, ओके, टेनेंट पीडीसी रिसीट, ओके। सो इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी बिल्डिंग के अंदर, कौन सी कंपनी के अंडर ये बिल्डिंग आ रही है। सो दिस आई सिलेक्ट माय कंपनी, ओके, नेक्स्ट डॉक डेट होगी, ओके, टुडे डेट, रेफरेंस डेट और रेफरेंस नंबर अगर कुछ है, या अब मुझे टेनेंट नेम के किस किस टेनेंट को मैंने पीडीसी अपने सिस्टम में सेव करने हैं, ओके। सो हेयर SHAIKH ये मैंने लिखा है, ओके, और मैं इसको यहाँ से सर्च करवाता हूँ, ओके। तो ये देखिए शेख फैज आ गया, इसमें शेख से शेख शफीउल्लाह भी था और ये भी था। एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं सिंपली अगर उसके फ्लैट नंबर से भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके नेम के आगे उसका फ्लैट नंबर भी मेंशन कर दिया, सो 94/9/4/32 और यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो ये एक इजी वे है, ओके, ये शेख फैज आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ टैब और एग्रीमेंट आ गया। अभी मैंने हमारे सिस्टम में ऐसा है कि मुझे शिफ्ट परसेंटेज करना पड़ता है, तो उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है जो इसका कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ था। आप अगर कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो मे बी आपको वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ जाए, वो आप डायरेक्ट से उसको सिलेक्ट कर ले। तो है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट नंबर सिलेक्ट किया, ये वही कॉन्ट्रैक्ट नंबर है जो मैंने टेनेंसी क्रिएशन के टाइम क्रिएट किया था और ये मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर असाइन हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये किया तो इसका यूनिट नंबर आ गया, ये बिल्डिंग नंबर आ गई, उसके बाद ये बिल्डिंग का नाम क्या है और टेनेंट का नाम क्या है और ये टेनेंट किसने क्या किस कोर से सेव हुआ था, सो इट वाज CUS कस्टमर 141432, ओके। मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव करता हूँ, सो ये अभी नेक्स्ट, अभी चेक स्टार्टिंग चेक, ओके, चेक का नंबर क्या है, सो इट वन दिस इज 2418562 और उसके बाद नेक्स्ट। अभी इधर क्या है कि आपकी फर्स्ट जो चेक है उसकी डिपॉजिट डेट क्या है, सो 10th of February 2022, ओके, आई प्रेस टैब और चेक का बैंक कौन सा है, ओके, सो चेक इज दिस इज बैंक मस्कत और वेर एवर यू आर लिविंग और जो सा भी बैंक है आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली टैब टैब प्रेस कर रहा हूँ, रिमार्क्स में ये पीडीसी है, ठीक है, करेंसी उसकी ओमानी रियाल है, ओके, पीडीसी फ्रॉम डेट, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी चेक है तो आप क्लिक टिक करके यहाँ सिक्योरिटी चेक का नंबर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटी, जी मुझे बिल्कुल मेरे पास सिक्योरिटी चेक है, तो 2418571 ये मैंने दे दिया सिक्योरिटी चेक की डेट की। अगर है कुछ, मोस्टली जो सिक्योरिटी चेक होता है वो ओपन डेटेड होता है क्योंकि बैंक की पॉलिसी होती है कि आफ्टर 6 मंथ के चेक एक्सपायर हो जाता है, डिफरेंट बैंक्स की या डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट बैंकिंग पॉलिसी होगी। तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है कि आफ्टर 6 मंथ चेक एक्सपायर हो जाता है, सो इफ आई हैव अगर पीडी अगर सिक्योरिटी चेक पे लिखा होगा और वो डेट क्रॉस होगी तो वो 6 महीने के बाद वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा,
ओके अभी मैं इधर आके राइट क्लिक करता हूँ और ये देखिए सिंपली ये पूरा जो है फिल ग्रिड आ गई है। ये वही फिल ग्रिड है, ये वही 12 मंथ्स की डिटेल आ गई है कि ये 12 मंथ फ्रॉम फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 2023 को जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो ये आ गया है। और ये रेंट है उसका और रेंट ड्यू डेट, ये उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ उसको। अभी ये पीडीसी नंबर है जो सिस्टम ने जनरेट किया है, द फर्स्ट जो रेंट जो चेक जाएगा वो मेरा 1 फरवरी टू 28 फरवरी जाएगा, रेंट अमाउंट इज 170। ये अफेक्टेड अमाउंट होता है, दिस इज जब आप रिसीट पास कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर ये 170 आ जाएगा, तो इट्स मीन के ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट चेक था वो था 241-88562। अब आप एक चीज देखे कि इसने ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट चेक का नंबर होगा जो सीरियल एक चल रही है तो वो 63 होगा। अगर आप एक चेक बुक है तो आप उसको 12 चेक्स आप उसके लिखते हैं, तो पहला अगर चेक 62 था उसके बाद नेक्स्ट 63 होगा, 64 होगा, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ 62। ओके राइट, नेक्स्ट इज 63, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च और 10 मार्च का है, उसके बाद 10 अप्रैल को 64 है और 10 मई को लास्ट में 65 सीरियल है, फिर 66 सीरियल है सीरियल है, उसके बाद 67 दैट इज फॉर जुलाई एंड 68, 69, 70, 71। ओके 1 मिनट, ओके नाउ मे बी जो मेरा नवंबर का चेक है उसका जो सीरियल नंबर है वो 72 है, बिकॉज मे बी कुछ मिस्टेक होगी उससे और वो एक चेक बिल्कुल यूजलेस हो गया और उसको फेंक दिया, तो इसलिए जो अभी इसमें 71 नंबर है वो मिस हो चुका है। सो माई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर द चेक नंबर इज 241-88572। अब मैंने जब ये इसके बाद मैंने नीचे नेक्स्ट क्लिक किया तो क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेट क्वेरीज और नॉट अलाउड इन चेक रो नंबर 10, डू यू वांट टू एडिट, मैं बोलता हूँ यस। अब वो क्या बोल रहा है कि आपका जो दिसंबर का चेक है वो भी डुप्लीकेट है, तो ये तो आप एक चेक को दो दफा एंटर कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग ओके नो, आप इसको यस करता हूँ कि आप इसको कर दें, सो विल सी इन द नेक्स्ट। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, डू यू वांट टू एंटर एडिट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट मूव कर गया हूँ, अब मेरा ये जो नवंबर का है वो 72 नंबर है, तो दिसंबर का जो है वो अब 73 हो गया। सो 71 जो है वो किसी मिस्टेक की वजह से या कुछ किसी भी वजह से वो चेक मिसिंग है और मुझे जो इशू है वो 72 नंबर हुआ था फॉर नवंबर और 73 नंबर फॉर दिसंबर और फॉर जनवरी। अभी देखते हैं, फिर बोल रहा है कि आपका दोबारा डुप्लीकेट हो गया है, जनवरी का और दिसंबर का सेम है, तो मैं इसको नो करके मैं सिंपली जो जनवरी का है चेक नंबर वो चेंज कर देता हूँ, 241-88574। सिक्योरिटी चेक मैंने ऑलरेडी एंटर कर दिया हुआ है, इट इज एम विद नो डेट, और मैं पीडीसी को सेव कर देता हूँ। ये देखिए टेनेंसी पीडीसी रिसीट सेव सक्सेसफुली, और अब ये जितने भी मेरे इस टेनेंट के चेक्स है वो सेव हो चुके हैं, और मैं ये मेरे पास अब सिस्टम में रिकॉर्ड आ चुका है और मैं ये रिकॉर्ड किसी भी वक्त निकाल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। और कुछ भी इशू हो जाता है, कोई टेनेंट चेक रिटर्न हो गया, कुछ चेक मिस हो गए, तो आपके पास ये पूरा एक रिकॉर्ड है, आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रिपोर्ट्स में आता हूँ और मेरे पास ये पीडीसी रिपोर्ट है, ठीक है, इधर आके मैं जैसे इधर से कंपनी और मैं ये बिल्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ गाला 4, ओके उसके बाद ये गाला 4 और ऑल कर देता हूँ स्टेटस, मेरे कौन से मंथ का ये जो टेनेंट है ये फ्रॉम 1 फरवरी आया है, तो 1 फरवरी में मैं देखना चाहता हूँ कि इसका चेक नंबर क्या है, तो उसको मैं ओके करता हूँ। तो मेरे पास ये जितने भी फरवरी के पीडीसी टेनेंट्स हैं जिनका मेरे पास चेक्स है अवेलेबल, उन सब की डिटेल आ गई है, फ्लैट नंबर। सो मेरे पास ये फ्लैट नंबर है 32, ये देखिए जी 12 नंबर सीरियल है 32 शेख फैज, उसकी चेक डेट जो है वो 10th ऑफ फेब्रवरी 22 है, चेक नंबर इज 241-88562, बैंक मस्कत है और रेंट अमाउंट जो है वो 170 है। इसी तरह अगर मैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च देखना चाहता हूँ तो मैं इधर सिंपली आके इसको 1 मार्च से 31 मार्च तक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो इस मंथ के अंदर मुझे देखना है मेरे पास कितने
चेक्स अवेलेबल है, कौन कौन सा मेरे पास टेनेंट है जिसके पास जिसके मेरे पास चेक्स अवेलेबल है। सो मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई और इसमें आप दोबारा देखे तो ये शेख फैज हिज चेक चेक डेट इज 10th of March, चेक नंबर इज 63, जो प्रीवियस था वो 62 नंबर था, टेन मंथ का तो रेंट इज सेम। तो आप जब पीटीसी ले लेते हैं तो ये मेरे पास अभी पूरे रिकॉर्ड आ चुका है, इसको मैं यहाँ मुझे मैं इसकी टोटल अमाउंट दे सकता हूँ कि मेरे पास फॉर द मंथ ऑफ मार्च 6,745 रियाल के अमाउंट के मेरे पास चेक्स अवेलेबल है जो कि इस मंथ में क्लियर हो गए। और खैर इसमें जरूरी नहीं कि सब क्लियर हो, कुछ चेक्स रिटर्न भी हो सकते हैं, कुछ में कोई फंड्स का इशू भी हो सकता है। सो दैट इज द नेक्स्ट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक फिर, कि आपने उन चेक रिटर्न्स को किस तरह डील करना है, सिस्टम में किस तरह आपने उनको एंटर करना है, किस तरह रिकॉर्ड रखना है, और उसमें वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड के आपका जो टेनेंट है आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने उसको फ्लैट इशू कर दिया, और उसके बाद आपने उसको चेक्स किस तरह इशू करने, जो पीडीसी है वो कैसे आपने सिस्टम में एंटर करनी है, कैसे उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, और उसके बाद आप उसको रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चेक्स अवेलेबल है और कौन कौन सी डेट के है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।